नमस्कार, यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शशिकांत शर्मा। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। यह खास खबर है तहसील कादीपुर थाना अखंड नगर के ग्राम सभा प्रतार खास की। खबर आपको विस्तार से बता दें, माननीय सांसद मेनका गांधी के आदेशानुसार ग्राम प्रतार खास के पंचायत भवन पर किया गया जनसंपर्क चौपाल का आयोजन। इस आयोजन में ग्राम प्रधान अमित कुमार पांडे, BDO अखंड नगर गणेश राम, ग्राम पंचायत सचिव विपिन कुमार मिश्र आदि अधिकारी एवं कर्मचारी गण रहे मौजूद। इस जनसंपर्क में ग्राम प्रधान अमित कुमार पांडे अपने समस्त ग्रामवासी से प्रधानमंत्री शौचालय पेंशन, जो लाभार्थी हैं और जिनको लाभ मिल चुका है, सभी की सूची किया जारी और जिनके नहीं मिले हैं लाभ, सभी को आवास, शौचालय, पेंशन आदि बिंदुओं पर किया गया विचार विमर्श। यह खास खबर थी यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल से शशिकांत शर्मा की। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद। अब आप सुन लीजिए, इन लोगों के खाते रोके गए थे, किसी के द्वारा आपत्ति गांव में लगाई गई थी, सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, इसीलिए यह मीटिंग BDO साहब के द्वारा निर्धारित की गई है। आप ISP साहब जांच के लिए खुद आए थे और दोबारा बैठे, मुख्यमंत्री द्वारा सबको सैचुरेट किया गया है और कुछ लोग अगर उसमें अपात्र हो गए हैं, उनका नाम छट गया किन्हीं कारणों बस, अब कुछ लोग आपके यहाँ देखे कि मोबाइल या लैंडलाइन उनके नाम तब के नाम थे, लेकिन जो विधवा महिलाएं हैं उनका नाम सूची बनाते रहे, नाम से सचिव महोदय एक सूची आप बनाते रहेंगे ताकि अभी साइट हमारी खुलेगी तत्काल पतार खास गांव सभा का टोटल नाम से एक रुपया राशन कार्ड, आधार कार्ड, जॉब कार्ड, पेंशन, मैंने अपना सब कुछ गांव लगा दिया है, अपने धंधे को, अपने बीवी को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, इसी गांव के लिए, बस आपका सहयोग चाहिए। आपके ब्लॉक स्तर तक सेक्रेटरी साहब बैठे, आप बैठे हैं, मैं लिस्ट आपको व्हाट्सएप किया हूं, अभी लिस्ट मेरे पास है, मैं दे रहा हूं, आप नाम पढ़ लीजिएगा। वो 30-35 परिवार ऐसे हैं जो वास्तव में ऑनलाइन करा के बैठे, एक साल से उसमें मुसहर भी है, SC भी है, लेकिन उनके खाते में पैसा नहीं पहुंचा और हम चाहते हैं कि जुलाई से पहले, बरसात से पहले व्यक्तिगत आप निरीक्षण करके उनके खाते में पैसा डालवाइएगा और शौचालय बनवाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। क्या यहाँ नहीं आई शीला हरिनाथ? आई है क्या यहाँ शीला हरिनाथ? तीसरे हैं सरिता जोगिंदर, चौथा है चंद्रेश उगरी, पचाए हैं सुरेश सवारा खातून, मोहम्मद सुबीन। मैं आपको लिस्ट सेक्रेटरी साहब ये दे रहा हूँ, आप इसकी फोटो खींच लीजिए, मैं नाम पढ़, लेकिन साहब मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरीके से काम करेंगे गांव के लिए, जो चीजें कही जाए उस पर आप बिंदुओं पे काम करिए। मैं आपके सबके सामने, जनता के सामने कह रहा हूँ और आपके अफसर बैठे हुए इसलिए बहुत कुछ बातें नहीं कह रहा हूँ, ले रहे हैं क्योंकि इनकी भी नौकरी है, ये भी गवर्नमेंट से जुड़े हैं, इनकी भी संवैधानिक व्यवस्था होती है कि अगर ये दोबारा किसी व्यक्ति को लाभार्थी बना देंगे तो इनको भी जवाब देना पड़ेगा। इसलिए आप लोग सामान्य रूप से मीटिंग इसीलिए बुलाई जाती है कि गांव की जनता, चुप रहो, गांव की जनता के सामने यह बात कही जाएगी और पढ़ा जाएगा। क्यों आरबी साहब भाई, अगर पात्रों को पैसा जाएगा तो हमको लिस्ट प्रोवाइड करा दीजिएगा, हम उनको जाके चढ़ के उनके घर पे कहेंगे कि पैसा आया, इसको आप शौचालय बनवा लीजिए। क्या समस्या है अनुसार समाज के लोग बताओ? इनका घर कच्चा है, पक्का है, आवास बना बात तो आवाज चाहिए, नहीं चाहिए बोलो भाई, कहाँ ना बोला जाता था रघुवीर की माँ पाई है, हमारी मातारी पाई है, मतलब इनके बच्चों के आवास नहीं है रहने की। संजय और धुरंधर दो बच्चे, संजय इलाज नहीं करेंगे, मकान नहीं बनाएंगे और अन्यत्र खर्च करेंगे तो उसको पैसा हम भरे या ये भरे अपनी तनख्वाह से, ये जिम्मेदारी है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि नौकरी का मामला है इनका, इसीलिए बैठक बुलाए हैं कि गांव का कोई आदमी, और इसी गांव के आदमी एप्लीकेशन डालते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते हैं, इसी गांव का एप्लीकेशन पड़ा हुआ इनके पास गया हुआ सेक्रेटरी महोदय के, ये गांव में आप नहीं, इसीलिए गांव को सभा की बैठक में पूछा जा रहा, आप लोगों से शिकायत जा रहा है, अब बाद में अब आज नहीं होगी, बाद में कोई